क्या सस्ता होगा और क्या महंगा, आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। वफाकी बजट का मजमू हजम 14,600 अरब रुपए से ज्यादा होने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20%, पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज। वफाक के लिए 1800 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। वफाकी तरक्याती बजट का हजम 950 अरब रुपए होगा। सेहत, तालीम, अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए 179 अरब का बजट तजवीज। इस वक्त आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसका मेजर बल्क जो है वो अनफॉर्चुनेटली इंटरेस्ट जिसे बेड सर्विसिंग कहते हैं उसमें जा रहा है। फ्लड्स की जो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी एक कैटास्ट्रोफी देखी, एक बहुत बड़ा अलमिया देखा कि अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स आए। हम एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए इंसेंटिव देंगे, IT के सेक्टर में इंकरेज करेंगे। यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है, हदफ है कि बाय 2025 हम 20% ग्रीन एनर्जी पर चले। रवां माली साल मुआशी तरक्की की शरह सिर्फ 0.29% रही। बरामदाद में 12.1% कमी। तजारती खसारा 40.4% कमी से $25.8 अरब रहा। अफरात ज़र 29.2% रहा। फीकस आमदन $1,568 रही। महंगाई की शरह 29.2% तक पहुंच गई। गुज़श्ता माली साल महंगाई की शरह 11.3% थी। सैलाब, आलमी कसाद बाजारी और सख्त इक्तसादी फैसले शराय नमू में कमी का बाइस बने। महंगाई की वजह सियासी अदम इस्तेहकाम और रुपए के कदर में कमी भी करार। वजीर खजाना इसहाक डार ने इक्तसादी जायजा पेश कर दिया। कहा अगले माली साल के लिए 5 अहदाफ मुकर्रर करके रोड मैप भी तैयार कर लिया। किसान पैकेज, सनअतों और IT के शोबों की तरक्की को तरजीह दी जाएगी। वेरी सीरियस क्रिमिनल एक्ट अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ही इंसाइटेड हिज पीपल एंड इट्स नॉट हियरसे। आई मीन देयर इज एविडेंस बियॉन्ड एनी ऑफ डाउट, इररिफ्यूटेबल एविडेंस। IMF की शराइत पूरी कर दी। पुर उम्मीद है कि तमाम मामलात खुश उसलूबी से तय पा जाएंगे और इसी माह अच्छी खबर मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। ये भी कहा रियासत के खिलाफ संगीन इकदाम की साजिशों के ठोस सबूत मौजूद हैं। कौमी तनसीबात और यादगारों को जिस तरह पामाल किया गया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। शरपसंद अनासिर को करार वाकई सजा दी जाएगी। एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने आए। 9 मई के बाद मुल्क की सियासत बदल गई। जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाना होगा। जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के नाम से नई सियासी जमात के क्याम को वाजे कर दिया। कहा तहरीक इंसाफ को मजबूत बनाने में इसलिए किरदार अदा किया ताकि मुल्क में इस्लाहात लाई जा सकें। बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए संजीदा कोशिशें करना चाहते हैं। ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो तकसीम को ख़त्म और कौम को उम्मीद का बयानिया दे। साबिक सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान बोले जहांगीर तरीन की सरबराही में हम मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। तहरीक इंसाफ से रूह निकल गई। पार्टी बनाने वालों के चले जाने से बस अब बुत ही बाकी रह गया है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का PTI पर तंजिया वार। मुआवने खुसूसी अताउल्ला तारड़ बोले जहांगीर तरीन के साथ हमारा आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। अलायंस का फैसला तो पार्टी करेगी लेकिन जहां हो सकेगा सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है। सुपीरियर कोर्ट जजेस हैं उनके मामले जो है बिल्कुल वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी जाएंगे। क्रिमिनल ओवरटोन्स हैं, करप्शन का एलिमेंट आता है तो फिर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में भी ज्यूरिसडिक्शन है और वो भी इस चीज को देख सकते हैं। जजेस के मामले को नैब भी देख सकता है। एहतसाब सबका होगा, कोई मुकद्दस गाय नहीं। हुकूमत ने जजेस की ऑडियो के मामले पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी इरफान कादिर का कहना है कि ऑडियो लीक्स में करप्शन का भी अंसर मिलता है। ये नहीं हो सकता कि कुछ लोगों के खिलाफ एहतसाब हो बाकी से पूछ गछ ना की जाए। NCA 990 मिलियन केस में मजीद कुछ शवाहिद मिले हैं। साबिक वज़ीर आज़म के खानदान और दोस्तों ने महंगे तहाइफ लिए। फराज शहजादी के 4.5 अरब रुपए की ट्रांजेक्शन मिली हैं।
सीनियर सहाफी अर्शा शरीफ की वालिदा ने सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई को भी शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 10 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। मुतालिका अदालतों से रुजू करने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की क़यादत में मुआशी टीम की मुलाकात। वज़ीर आज़म की शाबाश, बोले मुआशी चैलेंजेस और तारीखी सैलाब के बावजूद मुआशी टीम की मुल्की मईशत के लिए खिदमात अकाबले सताइश हैं। आइंदा बजट में हुकूमत ज़रई शोबे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जिद्दत पर खतीर सरमायाकारी करेगी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का अहम इजलास कल तलब कर लिया। नए माली साल के लिए बजट की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के लिए FBR का टैक्स हदफ 9,200 अरब रखने की तजवीज़। आवाम पर 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की भी तैयारी। ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। म्यूचुअल फंड्स और रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% टैक्स की तजवीज़। प्रॉपर्टी लेन देन पर टैक्स की शरह दुगनी की जाएगी। रिटेल और होलसेल सेक्टर पर टैक्स शरह में इजाफे की तजवीज़। प्राइस बॉन्ड विद होल्डिंग टैक्स की शरह में भी इजाफा किया जाएगा। तादाद में इजाफे की रेस में गधों ने घोड़ों को पीछे छोड़ दिया। सैलाब, मौसमियाती तब्दीली और आलमी दर्जे हरारत में इजाफे जैसे बड़ी रुकावटें भी गधों की अफसाइश न रोक सकें। मुल्क में एक साल के दौरान गधों की तादाद में 1,00,000 का इजाफा हुआ। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गधों की तादाद बढ़कर 58,00,000 हो गई। परेशान है इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। बजट का तो फायदा तब होना जब आवाम को रिलीफ मिलना, जब आवाम को रिलीफ ही नहीं मिलना तो बजट तो उसके लिए तलवार ही है ना। नीचे की आवाम है उसके ऊपर कोई रहम करें। आवाम की सूरत हाल और बेहतरीन और बेहतर होने की वजह और खराब हो रही। बजट की आमद से कबल महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। मुर्गी समेत दीगर अशिया खुरानोश की कीमतों में हुशरबा इजाफा। आवाम का नए वफाकी बजट में महंगाई से परेशान लोगों को रिलीफ देने का मुतालबा। मरकजी सदर BAP और वजीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुदूस बजिंजो का वफाकी बजट सेशन के बायकॉट का ऐलान। कहा बलोचिस्तान शदीद माली मसाइल का शिकार है। आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और सरदार अख्तर मेंगल से दरख्वास्त है कि वो हमारे मौकिफ को तकवीत दें। साबिक वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। अली मोहम्मद खान को मर्दान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 9 मई वाकयात में गिरफ्तार। खतीजा शाह की अमरीकी कौंसलर रसाई तक की मंजूरी। पाकिस्तान ने इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों के इल्जाम को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि 9 मई के किरदारों के साथ आइन और कानून के मुताबिक सलूक किया जा रहा है। क्या मुल्की सलामती पर हमला करने वाले शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है? वजीर तलासिन शर्जील मेमन का सवाल। कहा गिरफ्तारियां तो सियासतदानों का जेवर होती हैं लेकिन बुजदिल शख्स ने पूरे मुल्क में आग लगा दी। शरपसंदों का अंजाम करीब है। जिना हाउस हमले का एक और मरकजी शरपसंद बेनकाब हाशिर खान दौरानी PTI इंसाफ यूथ विंग लाहौर का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी निकला। दौरानी हमला इनकलाब का नारा लगाता रहा। हाशिर खान दौरानी ने इंकशाफ किया कि कोर कमांडर हाउस पर हमले की मनसूबाबंदी पहले से जमान पार्क में की गई थी। PTI क्यादत ने यह मनसूबा बनाया। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। अदालती अमले के मुताबिक तबीयत खराबी की वजह से जस्टिस शाहिद वहीद दस्तयाब नहीं। अटॉर्नी जनरल ने भी मोहलत मांगी और बजट की वजह से हुकूमत भी मसरूफ है।
आजाद कश्मीर बाग एले 15 में जिमनी इंतखाब, वोटों की गिनती जारी। पीपल्स पार्टी के जियाउल कमर और नून लीग के मुश्ताक मिनहास के दरमियान कांटे का मुकाबला। निशिस्त सरदार तनवीर इलियास की नाअहनी से खाली हुई थी। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान ने तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि दुनिया भर में तवानाई बहरान एक बड़ा चैलेंज है, वक्त आ गया है हम तापी मंसूबे पर अमल दरामद तेज कर दें। मंसूबा खित्ते में तरक्की और खुशहाली का बाइस बनेगा। पाकिस्तान तवानाई बहरान से निमटने के लिए इकदाम कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, अगर कराची में पीपल्स पार्टी ने हमारी जीत को मस्नूई हार में बदला तो उसके नतायज अच्छे नहीं होंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने दावा किया कि कराची का मेयर जमात इस्लामी का होगा। 15 जून को 193 लोग ऐवान में होंगे जो सबको एक्सपोज करेंगे।